Hello everyone, welcome to the session today. My name is Shubham Singhania and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. तो जैसे कि आपने देखा ही होगा कि हम एक करंट अफेयर सीरीज लेके आए हैं ताकि जो UGC NET Paper 1 में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आपको अलग से तैयारी ना करनी पड़े। और मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि हमारे करंट अफेयर्स से UGC NET Paper 1 में 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं जो मेजरली रैंकिंग जैसे टॉपिक्स या फिर आप कह सकते हैं NIRF रैंकिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, पीपल एनवायरनमेंट एज वेल एज हायर एजुकेशन के टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आप ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट करेंगे तो वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए आप सिर्फ NIRF स्कीम्स से रिलेटेड वीडियोस को देख लीजिए जो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। और साथ साथ ये जो करंट अफेयर्स सीरीज मैं चला रहा हूँ जिसमें हम जुलाई से लेकर अक्टूबर मंथ तक सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, अगर आप ये 4 वीडियोस देख लेते हैं तो आपके करंट अफेयर्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारी पुरानी वीडियो को देख लिया होगा, बट अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई लिंक पे क्लिक करके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से करंट अफेयर्स के जुलाई सेशन के जुलाई मंथ के देख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगस्त में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमें कवर करने हैं। आगे चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। According to Ministry of Environment, Forest and Climate Change, which state has processed the maximum of its solid waste as of November 2018 to reduce environmental degradation? अब जैसे आपने सुना ही होगा कि major government initiatives ले रही है in order to reduce environmental pollution and environmental degradation, उसमें लगातार states कोई ना कोई initiative लेते रहते हैं। So, उससे रिलेटेड काफी ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस पास्ट ईयर में भी आए हैं जहां पे आपसे स्टेट्स के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं कि किस स्टेट में कितने ज्यादा मेजर्स लिए हैं या फिर कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा एनवायरमेंटली पॉल्यूटेड है और सबसे ज्यादा कम पॉल्यूटेड है। तो यहां जो आज हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं वो ज्यादातर फैक्चुअल नेचर के हैं, बट अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं या फिर इन क्वेश्चंस के बारे में पढ़ लेते हैं तो आप बहुत आसानी से यूजीसी नेट में आने वाले इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो पूरी देखेंगे। अब मैं बात करता हूं इसके आंसर को लेकर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है छत्तीसगढ़। दैट इज छत्तीसगढ़ वो स्टेट है जिसने सबसे ज्यादा सॉलिड वेस्ट को कन्वर्ट किया है इन ऑर्डर टू रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 84% ऑफ वेस्ट जो यहां से रिलीज होता था या आप कह सकते हैं कि जो जनरेट किया जाता था उसे प्रोसेस कर दिया गया है इन ऑर्डर टू रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर छत्तीसगढ़ हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। For the first time, the 22nd edition of National Conference on E-Governance 2019 will be held in Dash on the theme Digital India, Success to Excellence. So again, ये important question है from the topic of people environment कह सकते हैं आप, जहाँ पे national conferences से questions आए हैं। अब national conference के बारे में आपको बता दूँ कि past year में भी काफ़ी ज़्यादा conference आए हैं related to environment, related to UN, इसलिए हम ये question cover कर रहे हैं because काफी ज्यादा उम्मीद है कि इस बार भी आपको कॉन्फ्रेंस एज वेल एज एनवायरमेंटल रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो यहां पे हमें ध्यान 2 चीजों पे देना है। फर्स्ट चीज ये है कि जो 22nd एडिशन हो रहा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस है। इसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि गवर्नेंस होता है कि हाउ द थिंग शुड बी मैनेज एंड गवर्न, एंड क्योंकि अब सारे के सारे ट्रांजेक्शन सारे जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रही हैं, इसलिए यहां पे जो कॉन्फ्रेंस है उसका एम इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की तरफ है या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इज द मेजर फोकस। अब यहां पे अगर थीम के बारे में बात करें तो अगेन जो थीम है वो है डिजिटल इंडिया सक्सेस टू एक्सीलेंस। तो यहां पे आपको दोनों चीजें याद रखनी है। अब बात करते हैं कि ये थीम हो कहां रहा है। सो हमें अगेन 4 स्टेट्स गिवन है, आइए एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं। इज इट ए महाराष्ट्र, इज इट बी मेघालय, इज इट सी मणिपुर और इज इट डी राजस्थान। अब मैं यहां पे आपको बता दूं कि ये जो 22nd एडिशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हो रही है ये शिलोंग मेघालय में हो रही है। सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया बी, दैट इज मेघालय। थीम बिल्कुल नहीं भूलनी है स्टूडेंट्स, क्योंकि हो सकता है कि आपसे प्लेस ना पूछा जाए, ज्यादा थीम पूछ ली जाए। तो आप वैसे भी गेस कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा डिजिटल इंडिया डिजिटल मिशन को प्रमोट किया जा रहा है, इसलिए जो करेक्ट आंसर है यहां पे वो हो जाएगा मेघालय और जो थीम हो जाएगी वो हो जाएगी डिजिटल इंडिया सक्सेस टू एक्सीलेंस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेव ग्रीन स्टे क्लीन कैंपेन वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट टू रेज अवेयरनेस अबाउट प्लांटिंग ट्रीज वेयर द ट्री कवर हैज बीन इंक्रीज टू 19% फ्रॉम 11% पास्ट ईयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फॉर द रीजन बीइंग कि बहुत ज्यादा नए नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं अंडर द टॉपिक ऑफ
पीपल एंड एनवायरमेंट, एंड मैं आपको बता चुका हूं कि जो ज़्यादातर करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पीपल एंड एनवायरमेंट टॉपिक से या फिर आप कह सकते हैं हायर एजुकेशन टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। सो अगेन इस क्वेश्चन की आने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है और यहाँ इस क्वेश्चन में आपसे सिंपली पूछा जा रहा है कि सेव ग्रीन स्टे क्लीन नाम का जो कैंपेन है वो किस स्टेट में बढ़ाया गया था या फिर किस स्टेट में चलाया गया था इन ऑर्डर टू रेज अवेयरनेस अबाउट प्लांटिंग ट्रीज। सो देख लेते हैं एक बार ऑप्शंस को। इज इट ए उत्तर प्रदेश, इज इट बी वेस्ट बंगाल, इज इट सी पंजाब और इज इट डी गुजरात। तो मैं आपको बता दूं यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज वेस्ट बंगाल। सो काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस आज मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि पास्ट ईयर्स में भी काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से आए हुए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ न्यू हायर एजुकेशन मॉडल नेम्ड एज रिसोर्स असिस्टेंट फॉर कॉलेजेस विद एक्सीलेंस और रेस। ये इसका फुल फॉर्म हो गया। तो सबसे पहले आप इस स्कीम को याद कर लीजिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट, विच विल इनेबल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैकल्टी टीचर्स एंड मूवेबल एसेट्स अमंग द गवर्नमेंट कॉलेजेस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ कि जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स पे है, ताकि जिन स्कूल्स एंड कॉलेजेस में टीचर्स अवेलेबल नहीं है उनको प्रॉपर रिसोर्सेज मिल सके, उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके इन ऑर्डर टू बूस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो यहाँ पे आपसे सिंपली पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो इस पर्टिकुलर मॉडल को लेके आया था। सो एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं। इज इट बिहार, इज इट झारखंड, इज इट मध्य प्रदेश और इज इट राजस्थान। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है डी, दैट इज राजस्थान। सो राजस्थान वो स्टेट है जिसने ये इनिशिएटिव लिया था और यहाँ पे उनका एम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैकल्टी टीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो कॉलेजेस में, ताकि जो टीचर्स हैं जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकें और वहाँ पे हमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएँ। तो ये पर्टिकुलर एम था इस पर्टिकुलर मॉडल का। सो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि आपको इससे भी क्वेश्चन मिल जाए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज लॉन्च द ड्राइव टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग स्कूल स्टूडेंट्स अबाउट वाटर कंजर्वेशन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स में वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए बहुत सारे स्टेट्स ने इनिशिएटिव लेना शुरू किया है सो एज टू इन्हांस द अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स एंड नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट अमंग द सिटीजन्स एज वेल, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा वाटर कंजर्वेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने कौन सी ड्राइव चलाई थी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। सो एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं। इज इट समग्र शिक्षा जल सुरक्षा, इज इट बी जल सुरक्षा अभियान, इज इट सी जल ही जीवन अभियान और इज इट डी नन ऑफ द अबव। सो यहां मैं आपको बता दूं कि जो करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान। यहाँ पे थोड़ा सा इस बारे में स्कीम के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पे एम ये था कि पर स्टूडेंट, दैट इज वन स्टूडेंट, शुड सेव एटलीस्ट 1 लीटर ऑफ वाटर डेली, कि एक स्टूडेंट 1 लीटर ऑफ वाटर डेली सेव करे। सो इस तरीके से 1 ईयर में जिसमें 365 डेज होते हैं वहाँ पे हम 365 लीटर्स ऑफ वाटर सेव कर पाएंगे। एंड अगर हम 10 ईयर्स की बात करें तो 10 ईयर्स मिशन है इसमें कि 10 ईयर के अंदर पर स्टूडेंट एटलीस्ट 3650 लीटर्स ऑफ वाटर सेव करेगा, तो पर्टिकुलर स्टेट्स को काफ़ी ज़्यादा वाटर कंजर्वेशन हो जाएगा और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में वेस्टेज नहीं होंगे। तो यहाँ पे एम ये था कि स्कूल स्टूडेंट्स के अंदर एक अवेयरनेस लाई जाए, उनको एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू बताया जाए कि वाटर कंजर्वेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो जहाँ भी वेस्टेज देखते हैं, वेदर इट बी स्कूल, वेदर इट बी कॉलेजेस, वेदर इट बी अपने होम टाउन पे, घर पे अगर अपना कुछ भी वाटर से रिलेटेड वेस्टेज देख रहे हैं तो वहाँ पे वो वाटर कंजर्व करें। तो ये पर्टिकुलर एम था स्कीम का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, दैट इज UGC, हैज डिसाइडेड टू यूज विच स्वेडिश सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट टू डिटेक्टिंग प्लेगरिज्म इन द थीसिस ऑफ PhD स्टूडेंट्स। सो ये आप कह सकते हैं कि दो क्वेश्चन तो हायर एजुकेशन टॉपिक से है बट रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है या बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है, कि जैसे कि आपको पता ही होगा कि प्लेगरिज्म टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये देखने के लिए कि कहीं आपने दूसरे का कंटेंट कॉपी तो नहीं कर लिया अपनी थीसिस के अंदर, या फिर आपने दूसरे का कंटेंट यूज़ कर लिया है विदाउट गिविंग प्रॉपर क्रेडिबिलिटी, या आप कह सकते हैं प्रॉपर उसको रिकग्निशन दिए बिना आपने उसका कंटेंट तो यूज़ नहीं कर लिया, इसलिए प्लेगरिज्म टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो अभी जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं एंड इसीलिए गवर्नमेंट रेगुलरली इनिशिएटिव ले रही है ताकि कुछ वो ऐसे फॉरेन कंट्रीज से टाई अप कर सके, कोलैबोरेशंस कर सके, जहां पे हम इजी एक्सेस ले सकें अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स का और फ्री में प्लेगरिज्म टेस्टिंग कर सकें।
तो यहीं पे एक फॉरेन कोलैबोरेशन की बात हो रही है कि जहां पे स्वीडिश कंपनी से हम फ्री सॉफ्टवेयर लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो कौन से सॉफ्टवेयर यहां पे यूजीसी ने ले लिया है या फिर लेने की बात चल रही है, इस पे पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है। सो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। इज इट ज्ञानवाणी, इज इट उर्कुंद, इज इट दीक्षा और इज इट टर्निटिन। अब ज्ञानवाणी के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये एक इग्नू का चैनल है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पे दिया हुआ है। ज्ञानवाणी एक इग्नू का रेडियो चैनल है, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। दीक्षा के बारे में बात करूं तो दीक्षा एक टाइप का पोर्टल है जहां पे टीचर्स ट्रेनिंग एज वेल एज टीचर्स असेसमेंट के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, जहां पे टीचर्स ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी जाएगी उनकी स्किल्स को इन्हांस करने के लिए, एंड एज वेल एज वो डिजिटली काफ़ी ज़्यादा असेसमेंट सेंटर्स एज वेल एज कंटेंट एंड स्टडी मटेरियल भी बना पाएंगे। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली थी अपनी गवर्नमेंट स्कीम्स की वीडियो में। बात करें टर्निटिन की, तो टर्निटिन अभी एक अवेलेबल पेड सॉफ्टवेयर है जो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, बट ये एक प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर है। और अभी जिस स्वीडिश सॉफ्टवेयर के बारे में बात की जा रही है वो है उर्कुंद। इस सॉफ्टवेयर को लेने की बात चल रही है यूजीसी से, जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेगरिज्म टेस्टिंग कर पाएंगे। सो बी हमारा आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ हाई लेवल कमिटी ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज CSR हेडेड बाय हुम हैज रिकमेंडेड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू अलाइन शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में हमने पहले भी सुना है, इसका बहुत ज्यादा फोकस है हेल्थ पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे, सैनिटेशन पे एक्सेट्रा। सो इन सारे टॉपिक्स पे ऑलरेडी सस्टेनेबल गोल्स के अंदर मिशंस लिखे हुए हैं या फिर आप कह सकते हैं गोल्स दिए हुए हैं। अब एक कमिटी बनाई गई थी हेडेड बाय समवन, जहां पे एम ये था कि जो इंडिया में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड नॉर्म्स हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर हैं उनको अलाइन किया जाए सस्टेनेबल गोल से। यहां पे स्टूडेंट्स अगर आप सोचे कि क्या एम हो सकता है या क्या रैशनल होगा इसके पीछे, तो आप गेस कर सकते हैं कि CSR का भी जो एम होता है वो यही होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो फंड्स जो कॉर्पोरेट हाउसेस से हमें मिलते हैं उसे सोशल वेलफेयर या फिर कम्युनिटी वेलफेयर में लगाया जाए। सो अगर वो अलाइंड होंगे सोशल वेलफेयर गोल से तो हम बहुत आसानी से दोनों चीजों को अलाइन करके बेनिफिट्स जनरेट कर पाएंगे। सो ये इस पर्टिकुलर कमिटी का एम था, और दिस कमिटी वॉज हेडेड बाय हुम ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। इज इट ए इन जेटी श्रीनिवास, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता चलूंगा। इन जेटी श्रीनिवास इज पर्टिकुलरली राइट नाउ पोस्टेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दैट इज MCA। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। सो इन सब टर्म्स के बारे में, इन सब लोगों के बारे में आपको नॉलेज होनी जरूरी है। सो ही इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया एज ऑफ नाउ। अगर मैं बात करूँ रजन गोगोई का, तो आपने इनका नाम भी सुना होगा, ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। सो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट नाम है, डी नन ऑफ द अबव। सो यहां हमें बताना है कि ये जो कमिटी थी इट वॉज हेडेड बाय हुम। सो मैं आपको बता दूं द करेक्ट आंसर इज ए दैट इज इंजेती श्रीनिवास। सो इनके अंडर ये कमिटी बनाई गई थी टू रिकमेंड दैट जो अलाइनमेंट हो सके शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट का जो कि CSR से रिलेटेड है विद सस्टेनेबल गोल्स। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर्नाटका हैज लॉन्च्ड विच इनिशिएटिव टू एम्पावर स्टूडेंट स्टार्टअप एज पार्ट ऑफ द कर्नाटका इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी दैट इज किट्स। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है, अगेन स्टार्टअप इंडिया से रिलेटेड है कि कर्नाटका ने कौन सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ताकि वो स्कूल स्टूडेंट्स को कह सकते हैं आप स्टार्टअप का पार्ट बना सके, जहां उनको प्रॉपर नॉलेज दी जा सके कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है या फिर स्टार्टअप्स क्या होते हैं, उनके क्या चैलेंजेस होते हैं एंड किस टाइप के स्टार्टअप्स वो बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एट द स्कूल लेवल, ताकि हम अभी से यंग एंटरप्रेन्योर्स को टेस्ट कर सकें या हम कह सकते हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स डेवलप कर सकें। तो ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है इस समय कर्नाटका के स्टेट में। सो हमें इस फैक्चुअल क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया, ई स्टेप इनिशिएटिव, बोथ BNC। अब अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो जो स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया जो मिशन हैं ये दोनों इंडिया के लेवल पे हैं, दैट इज कंट्री के लेवल पे बनाए गए हैं, बट यहाँ पे जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो स्टेट लेवल दैट इज कर्नाटका के लेवल पे पूछ रहे हैं। सो ऑब्वियसली ए एंड बी आंसर नहीं हो सकता है। तो अगर आप लॉजिकली भी सोचते तो क्लियर कट आंसर सी हो जाएगा, दैट इज ई स्टेप इनिशिएटिव। सो ई स्टेप वो इनिशिएटिव है जो कर्नाटका ने लिया है स्टूडेंट्स को एम्पावर करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज लॉन्च विच ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम
to train over 42 lakh teachers and to develop the ability of critical thinking approach among students. So, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट ने कौन सा ऐसा प्रोग्राम लेके आए हैं जो वर्ल्ड का, इंडिया का ही नहीं, रैदर वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर 42 लाख टीचर्स को टीच किया जाएगा ताकि वो डेवलप कर सकें एक एबिलिटी ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग या आप कह सकते हैं एक एनालिटिकल अप्रोच उन्हें सिखाया जाए कि किस तरीके से वो सिचुएशंस को प्रॉपरली समझें एंड उसके हिसाब से डिसीजंस लें. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडियन इकोनॉमी में कि अगर हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, प्रॉपर पॉन्स एंड कॉन्स को इवैल्यूएट करते हैं, तो जो भी इंडिया की प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप्स जो सॉल्यूशन फोकस्ड होंगे इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए. सो ये एम है कह सकते हैं आप क्रिटिकल थिंकिंग का. अब हमें इस इनिशिएटिव के बारे में बताना है तो एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं. इज इट निष्ठा, दैट इज नेशनल इनिशिएटिव ऑन स्कूल टीचर्स हेड होलिस्टिक एडवांसमेंट. इज इट बी अर्पित, दैट इज एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग. इज इट सी लीप, लीडरशिप फॉर एकेडमिशियंस प्रोग्राम. और इज इट डी नन ऑफ द अबव. अब आपको ऑप्शंस देख के पहले तीन ऑप्शंस बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे. सो एक बार मैं पहले सारे स्कीम्स को समझा देता हूं. लीप से शुरू करते हैं. सो लीप इज लीडरशिप फॉर एकेडमिशियंस प्रोग्राम. ये बेसिकली सेकेंड लेवल या फिर आप कह सकते हैं सीनियर फैकल्टी के लिए एक लीडरशिप प्रोग्राम है ताकि उनके अंडर हम एक स्किल्स प्रोवाइड कर सकें इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देम लीडरशिप एबिलिटीज. और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जैसे कि आप देखते हैं कि जब भी कोई प्रोफेसर या पर्टिकुलर यूनिट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के अंदर कुछ लेवल्स ऑफ प्रोफेसर्स होते हैं तो यही वो प्रोफेसर्स होते हैं जो फाइनली आगे जाके एचओडी एज वेल एज डीन्स की पोजीशन लेते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो अपकमिंग प्रोफेसर्स आ रहे हैं, सेकेंड लेवल प्रोफेसर्स आ रहे हैं, डेट इज सीनियर फैकल्टी जो है, उनको प्रॉपर लीडरशिप ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो सिर्फ टीचिंग में स्पेशलाइज ना हो, रैदर एक प्रॉपर विजन क्रिएट करना सीखें कि एक इंस्टीट्यूट को लेकर किस टाइप के विजन्स होने चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस कर सकें. तो लीप लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है फॉर द सेकेंड लेवल टीचर्स, या आप कह सकते हैं सीनियर फैकल्टी के लिए, फॉर फ्यूचर डीन्स एंड फ्यूचर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स के लिए. बी बात करते हैं अर्पित, दैट इज एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग. इसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं कि इसका एम ये है कि एक रिफ्रेशर कोर्स है. स्टूडेंट्स अब रिफ्रेशर कोर्स इसलिए प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि जो लेक्चरर्स ऑलरेडी किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं कुछ टाइम बाद उनकी जो स्किल्स हैं वो डोमेंट हो जाती हैं या फिर आप कह सकते हैं ऑब्सोलीट हो जाती हैं. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको नई स्किल सिखाए जाएँ, उनको नई स्किल से एक्वेंट किया जाए ताकि वो करेंट जनरेशन से तालमेल बैठा पाएँ और उन्हें नई चीज़ें सिखा सकें. सो ये एक अर्पित प्रोग्राम चलाया जा रहा है टीचर्स को एक्वेंट करने के लिए. ए ऑप्शन के बारे में बात करें, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल टीचर्स हेड होलिस्टिक एडवांसमेंट. ये वो इनिशिएटिव है जिसके बारे में बात हो रही है इस क्वेश्चन में, जहां पे एक बहुत बड़ा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा जिसमें उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट या फिर आप कह सकते हैं होलिस्टिक एडवांसमेंट की ओर प्रमोट किया जाएगा टीचर्स को ताकि वो ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सके. तो यहाँ जो क्लियर कट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, दैट इज निष्ठा. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्यू एस, दैट इज कॉकरेली साइमंड्स बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2019. हम पहले भी बता चुके हैं कि QS रैंकिंग एक वर्ल्ड रैंकिंग है जो कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस को क्लासिफाई करती है इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस, ताकि हमें यह पता चल सके कि ग्लोबल रैंकिंग पे कौन सा कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशंस बेस्ट परफॉर्म कर रहा है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर्स यूज किए जा सकते हैं. डेट इज फैकल्टीज कैसी हैं आपकी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपकी प्लेसमेंट कैसी है, एंड इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर रैंकिंग की जाती है. और इसमें ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा इंडियन इंस्टीट्यूशंस ग्लोबल लेवल पे अभी कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं. तो यहाँ हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग, किस वर्ल्ड की बेस्ट सिटी को रैंक किया गया है एज स्टूडेंट्स बेस्ट सिटीज रैंकिंग के फॉर्म में, और कौन सी ऐसी सिटी है, इंडियन सिटी है, जिसको इंडियाज बेस्ट स्टूडेंट सिटी कहा गया है. इंडियाज बेस्ट स्टूडेंट सिटी का क्या मतलब है, जहाँ पे स्टूडेंट्स ने रेट किया है कि इस पर्टिकुलर सिटी में सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस अच्छे हैं या सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट फ्रेंडली अप्रोच चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं. तो ये हमें आंसर करना है बोथ एट द वर्ल्ड लेवल एज वेल एज एट इंडियाज लेवल. एक बार ऑप्शन देख लेते हैं. इज इट ए लंडन एंड मुंबई, इज इट बी मेलबर्न एंड बैंगलोर, इज इट सी मेलबर्न एंड दिल्ली,
और इज इट डी लंडन एंड बैंगलोर। सो अगर आपने ये न्यूज में सुना होगा, ये बहुत ज्यादा न्यूज में था इन द मंथ ऑफ अगस्त। सो जो करेक्ट आंसर है वो है डी, दैट इज लंडन एंड बैंगलोर। सो लंडन को वर्ल्ड की बेस्ट स्टूडेंट सिटी माना गया है एंड बैंगलोर को इंडिया की बेस्ट स्टूडेंट फ्रेंडली सिटी माना गया है। सो ये हमारा क्लियर कट आंसर हो जाता है। सो आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ताकि आपके सारे एस्पेक्ट्स कवर हो सकें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने बेसिक टॉपिक्स लाइक NIRF रैंकिंग या आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स और साथ में ये जो हमारा वीडियो की सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, इसको देख लिया है तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन चांसेस हैं कि जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आप उसे बहुत आसानी से क्रैक कर पाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज साइंड एन MOU डेट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं इसे, दैट इज एक टाइप का कोलैबोरेशन होता है इन ऑर्डर टू परस्यू सम गोल और ऑब्जेक्टिव। सो विच इंस्टीट्यूट हैज साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद माइक्रोसॉफ्ट टू सेट अप एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल लैब इन इंडिया। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है बट कि किस इंस्टीट्यूट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ टू सेटअप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिजिटल लैब। सो हमने पहले भी इस बारे में बात किया था, दोबारा एक बार आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि अब टेक्नोलॉजिकल इतना एडवांस हो गई है, इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है कि जो काम पहले ह्यूमंस किया करते थे जैसे परसेप्शंस लोगों का पता करना या लोगों के मूड्स पता करने या फिर आप कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो सिर्फ ह्यूमंस कर पाते थे वो अब सारा काम मशीन के थ्रू हो सकता है। सो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या फिर आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड एडवांसमेंट हो रही है। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि लैब कहाँ सेट हुई थी, प्लेस का नाम बताना है अलॉन्ग विद इंस्टीट्यूट कि किस इंस्टीट्यूट ने सेटअप किया है। सो एक बार देख लेते हैं, इज इट ए एम्स दिल्ली, इज इट बी IIT कानपुर, इज इट सी ISB हैदराबाद और इज इट डी IIM लखनऊ। सो जो करेक्ट आंसर यहाँ पे है वो है सी, दैट इज ISB हैदराबाद। सो ISB हैदराबाद हैज कोलैबोरेटेड विथ माइक्रोसॉफ्ट टू सेटअप एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल लैब। सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे। आई होप जो आज हमने 11 क्वेश्चन किए हैं रिलेटिंग टू करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं फॉर योर UGC नेट पेपर 1। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी या कंसर्न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और हम उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।